अब खबरें विस्तार से। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला इतनी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्ला का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। हिजबुल्ला की मिसाइल सुरंग हमास की सुरंगों से 4 गुना बड़ी और गहरी है, जिसकी वजह से इजरायली सेना उन्हें तबाह नहीं कर पा रही है। खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने हिजबुल्ला को इशारा कर दिया है कि जमीन के नीचे से इसराइल पर हमले शुरू कर दो। इस आदेश के बाद से हिजबुल्ला लगातार 1.5 घंटे कर उत्तरी इसराइल पर हमले करता रहा। खामनेई का आदेश, हिजबुल्ला ने खोली मिसाइल सुरंग। अब युद्ध के मैदान में इजराइल और कितने दिन टिक पाएगा, यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आखिरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है। हिजबुल्ला ने गाजा युद्ध के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इजराइल के खिलाफ खोल दी है और ईरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइलें और रॉकेट इसराइल पर एक साथ दागने के लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में अचानक इसराइल बैकफुट पर नजर आने लगा है। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री यो गैलेंट के बीच जंग की रणनीति को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इसराइल धीरे धीरे जंग के दलदल में धंसता जा रहा है। चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्ला से युद्ध हो या फिर ईरान से इसराइल की जंग हो, अभी तक इसराइल हमास, हिजबुल्ला और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्ला और हमास की तरफ से इसराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्ला मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजरायल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहली बार हिजबुल्ला ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्ला के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्ला के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला के सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्ला के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्ला ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्ला ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी है। القوات الأساسية بعد ما استخدمناها لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة يعني بيروح بيخدم وقته بيرجع على بيته بيطلع بديله بيخدم وقته بيرجع على بيته وهكذا ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها जमीन के नीचे से हमला, जमीन के ऊपर इजराइल तबाह। 30 जुलाई को हिजबुल्ला के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुकर को इजराइल ने बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले में मार डाला। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एजेंटों ने धमाका करके मार दिया। इन 2 हत्याओं के लगभग 20 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्ला ने इजराइल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि इजराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला इसराइल को उसी के अंदाज में मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसा रहे हैं।
जरा देखिए हिजबुल्ला किस तरह से हमले इसराइल पर लगातार 8 दिन से कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्ला इस वक्त उत्तरी इसराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद इजरायली सेना के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्ला ने कत्यूशा और बोरकान मिसाइलों से हमले शुरू किए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना है कि हिजबुल्ला सीरियल मिसाइल अटैक करने में जुटा है। दावा किया गया है कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में सैन्य ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइलें और रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इजरायल की एयर डिफेंस को डीकोड करने में जुटा है। اذا اشعلت اسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا احد يعلم تداعيات اشعال الحرب لبنانياً وإقليمياً بل حتى دولي سورنگ تو بنکر پلان خوف میں اسرائیل 300 دن سے زیادہ کی جنگ میں حماس حزب اللہ اور ایران کو اسرائیل نے بھیانک چوٹ پہنچائی ہے لیکن 300 دن کی جنگ میں حماس حزب اللہ اور ایران کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسرائیل کو اسی زمین پر اس کے وار پلان کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے ان تین تصویروں سے پورا پلان سمجھ لیجئے حماس کے پاس اتنی زیادہ سرنگیں تھیں جو 300 کلومیٹر دوری طے کر سکتی ہیں اسرائیل نے لگ بھگ 90% حماس سرنگیں تباہ کر دی ہیں لیکن ابھی بھی حماس 10% سرنگوں کے ذریعے اسرائیل پر तक हमले कर रहा है। ठीक उसी तर्ज पर हिजबुल्ला ने अपनी मिसाइल सुरंगों को इजरायल पर हमला करने के लिए खोल दिया है, जबकि ईरान ने अपने बंकर में रखी हजारों मिसाइलों को एक साथ इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार कर दिया है। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर हमास, हिजबुल्ला और ईरान मिलकर सुरंगों और बंकरों से एक साथ मिसाइल और रॉकेट से इजरायली सैन्य ठिकानों और शहरों पर हमले कर दें तो इजरायल इतने भीषण हमले को कैसे रोक पाएगा। बेशक इजरायली सेना के टॉप कमांडर दावा करें कि वो हमास, हिजबुल्ला और ईरान के हमलों से निपट लेंगे, लेकिन जिस तरह की तैयारी हिजबुल्ला ने की है वो हैरान करने वाली है। हिजबुल्ला ने ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्ला ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को ये वीडियो जारी किया है। हिजबुल्ला की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्ला ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्ला लड़ा के आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्ला के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगह दिखाई गई हैं जहां से इसराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। हिजबुल्ला का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक